नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फ्योर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है। जहां पर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, जो कि आपके अकाउंट में पहले से जमा किए हुए हैं आपने, जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपको लोन देता है, उससे आप जो है इस्तेमाल कर पाते हैं कहीं भी परचेस करने के लिए, कहीं भी खाना खाने के लिए अपने कार्ड का इस्तेमाल करके। ऐसे में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं और हम लोग दोनों को साथ में कैरी करते हैं। तो क्या हो अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक ही कार्ड के अंदर आपको मिले, आपको दो कार्ड कैरी करने की जरूरत ना हो, जिसको कि डेबिट कम क्रेडिट कार्ड बोला जाए। एक तरफ से आप पैसा निकाल रहे हैं अपने एटीएम से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, दूसरी तरफ से आप शॉपिंग कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके, या फिर आप कहीं भी परचेस कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हमको वहां पे एक हैवी चार्ज देना पड़ता है, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों कैरी करने पड़ते हैं। मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग के लिए गए तो वहां पे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको पैसा निकालना है कैश में तो आप वहां पे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपको दो कार्ड कैरी ना करने पड़े, इंडसइंड बैंक ने नया कार्ड लॉन्च किया है जिसमें कि आपको एक तरफ से डेबिट कार्ड मिल जाएगा और एक तरफ से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो उनको डेबिट कार्ड ही मिलेगा, लेकिन जो इंडसइंड बैंक के कस्टमर और उनका इस बैंक में अकाउंट है और क्रेडिट कार्ड भी यूज करते तो ऐसे में वो एक ही कार्ड से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी ले पाएंगे। अभी स्टार्ट किया है इंडसइंड बैंक ने, आने वाले टाइम में बाकी सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये सब लेके आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में एक तरफ चिप होती है और एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इसी तरह इसमें एक तरफ चिप होती है और बैक साइड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसी तरह से इसके दूसरी साइड में भी एक चिप होती है और नीचे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। तो आप एक तरफ से इसको इंसर्ट करेंगे अपने एटीएम कार्ड में तो ये डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, जब आप दूसरी तरफ से इसको स्वैप करेंगे कहीं भी स्वैपिंग मशीन पे परचेस करते टाइम पे तो ये क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। तो दोनों ही फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे, दोनों का जो स्टेटमेंट बन के आएगा वो इकट्ठा बन के आएगा और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसको कि आप कैश में बना सकते हैं या फिर कोई भी मूवी के वाउचर या खाने के वाउचर खरीदते हैं तो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको दोनों कार्डों के एक ही जगह शो होंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट पहले रिडीम कराने हैं या फिर आपको डेबिट कार्ड के पॉइंट रिडीम कराने हैं, एक टारगेट वैल्यू पर आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपने रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर, क्योंकि आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप कम समय में ज्यादा सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स से कुछ भी परचेस कर सकते हैं। क्या होता है कि अलग अलग कार्ड पर अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसका इस्तेमाल छोटी चीज़ों के लिए तो यूज नहीं करेंगे, आप इकट्ठा जब हो जाएगा तो आप कुछ भी बड़ा परचेस कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट से या फिर आप कैश में उनको रिडीम करा सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका बैंक ये वाली फैसिलिटी आपको अगर दे तो क्या आप भी डेबिट कम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहेंगे, और मुझे साथ में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।